वेलकम बैक टू अर चैनल द डेली डोज। और जैसे आपको पता है हम दोनों ट्रैवल ब्लॉग करते हैं, तो आज हम जिस न्यू प्लेस पे जाने वाले, जैसे कि गणेश चतुर्थी चल रहा है तो महाराष्ट्र मुंबई फेमस है उस चीज़ के लिए, तो आज हम जाने वाले लालबाग के दर्शन करने, गणेश गली के दर्शन करने। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जा सकते हो। तो पहले आपको जो भी स्टेशन से, आपको चिंचपोकली स्टेशन जाना है या भाईकाला भी उतर सकते हो, तो वहाँ से आप लालबाग के दर्शन कर सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं स्टेशन पर, फिर टिकट लेते हैं, फिर वीडियो पे बने रहिए और फिर आपको बताते हैं कि आगे हमारा दर्शन और सफ़र कैसा होगा। बाद इस भीड़ को देखकर हमें खुशी का एहसास हो रहा था, क्योंकि उन 2 सालों में हम सभी को पता है हम किस दौर से गुजरे थे। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा की स्थापना हुई थी सन 1934 में, और इनके दर्शन करने सभी श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। गणेश चतुर्थी ये 10 दिन का त्यौहार होता है, जब सभी लोग मिलकर गणपति जी की स्थापना करते और उनके भक्ति में लीन हो जाते हैं। बड़े बच्चे बूढ़े सभी एकत्रित होते हैं और इस त्यौहार का आनंद मनाते हैं। गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, क्या आपने कभी ये सोचा है? ऐसे तो बहुत सारी कथा है, पर उसमें से एक कथा बड़ी रोमांचक है कि गणेश जी के गुरु वेदव्यास, उन्होंने कहा था गणेश जी को कि तुम्हें महाभारत लिखना होगा और मैं एक ही बार में बोलूँगा और तुम्हें बिना उठे उसे लिखना होगा। तो हमारे गणपति बप्पा विघ्नहर्ता उन्हें लिखने बैठ गए, और जब वो लिख रहे थे जिस कलम से वो बार बार टूट रहा था, तो हमारे एक दंत ने अपनी दंत निकाल कर उससे वो लिखने लगे। इसके लिए हमारे बप्पा का नाम एक दंत भी है, और बोलते हैं उसी दिन से हम गणेश चतुर्थी मनाने लगे। दर्शन किया, जैसे
हमारे लंबोदर ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके और उनको अपना संसार बताकर पूरे पृथ्वीवासी और मानव जाति को ये बताया कि हमारा संसार हमारे माता पिता होते, और उस दिन के पश्चात सबसे पहले पूजे जाते हमारे बप्पा। गणेश गली में मुंबई के राजा से उनके दर्शन हुए, और वहाँ पर कंसर्ट था ज्ञान वापी मस्जिद का, और हमारे नंदी बल जो प्रतीक्षा कर रहे थे महादेव की, तो वो थीम पर बनाया था ये इस टाइम। और गणेश गली में मुंबई के राजा में हर टाइम एक स्टोरी टेलिंग होता है, तो इस टाइम काशी विश्वनाथ मंदिर का स्टोरी उन्होंने दिखाया था, बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद अपोजिट साइड में तेजू काया करके है, वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। और अभी हम जा रहे हैं चिंतामणि के दर्शन करिए, तो वीडियो पर बने रहिए, और अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक देखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, उस रेड बटन पर क्लिक कर दो, और क्लिक कर दो क्योंकि अगर आप जितना हमें मोटिवेट करेंगे हम वैसे न्यू वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। और कमेंट पे गणपति बप्पा मोरिया ज़रूर लिखना, और आपको दर्शन करा दिए आप सबके मनोकामना पूरी हो जाए, सो लेट्स गो। प्यारे मोदक खाके मूषक के सवारे, वो है देवा गणेश हमारे, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।